Hey guys, to the नाम का मतलब समझो जिम्नोसप में ये जो जिम्नो है न, जिम्नो, इसका मतलब होता है नेकेड नंगा और स्पर्मा जो है इसका मतलब होता है सीड तो जिम्नो मतलब नेकेड और स्पम जो स्पर्मा शब्द से आया है इसका मतलब होता है सीड यानी कि नेकेड सीड नेकेड सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट है जिनमें जो सीड होता है उनमें कोई बाहर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता नेकेड होते हैं ठीक है चलो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ठीक है जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो कि आगे जाके सीड बनाता है इट फॉर्म्स सीड ये तो बेसिक नॉलेज है तुम पढ़ते आ रहे हो जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है प्लांट में ठीक है तो जिम्नोस्पॉन्स में भी ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि सीड बनाते हैं बट देखो क्या होता है ना ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी जनरली हम जब पढ़ते हैं तो तुम देखे हो जो प्लांट में जो फ्लावर होता है फ्लावर के नीचे ओवरी प्रेजेंट होता है ओवरी जो कि सीड को कवर करता है आगे जाके सीड को कवर करता है जब ओव्यूल फॉर्म करता है सीड ओव्यूल से क्या हुआ सीड फॉर्म हुआ तो ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी ओव्यूल में कोई ओव... आ, कवरिंग प्रेजेंट नहीं है यानी कि ओवरी एबसेंट है एंड थर्स सीड फॉर्मड फ्रॉम फर्टिलाइज ओव्यूल यानी कि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होके सीड फॉर्म कर रहा है तो वो जो सीड है इट इज नॉट कवर्ड बाई अ फ्रूट मतलब समझो देखो ओव्यूल प्रेजेंट है ओव्यूल क्या होगा फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा सीड बट जो ओव्यूल है उसमें ओवरी एबसेंट है तो जो सीड बनेगा उसमें कोई बाहर का कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगा फ्रूट का क्योंकि हमें पता है जब ओव्यूल सीड बनाता है ठीक है ओव्यूल जब सीड बनाता है तो जब ओव्यूल के आस वाला कवरिंग है ओवरी वो सीट के आसपास वाला फ्रूट बनाता है हमारा सीट है बीच बीच के आसपास देखोगे एक फ्लैशी जो रहता है फ्लैशी जो चीज रहता है वो होता है फ्रूट उसे हम खाते हैं राइट बट जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है ओवरी एब्सेंट ओवरी नहीं है ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी तो जो सीड बनेगा ना उसका कोई कवरिंग नहीं होगा जो सीड बनेगा उस पर फ्रूट प्रेजेंट नहीं होगा फ्रूट एब्सेंट होगा क्योंकि हमें पता है ओव्यूल सीड बनाता है ओवरी सीड का जो कवरिंग है फ्रूट वो बनाता है बट ओवरी एबसेंट है तो फ्रूट बनेगा ही नहीं तो सीड कैसा होगा नेकेड होगा सीड के आसपास कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ओवरी जो था वो एबसेंट होता है जिम्नोस्पम्स में तो इसीलिए नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं क्योंकि सीड के आजू बाजू फ्रूट रहता ही नहीं है फ्रूट नहीं रहता है क्यों फ्रूट नहीं रहता है क्योंकि ओवरी नहीं है ओव्यूल के पास क्योंकि ओव्यूल जो है नॉट कवर्ड बाय ओवरी नॉट कवर्ड बाय ओवरी कौन ओव्यूल ठीक है तो ओव्यूल नॉट कवर्ड बाय ओवरी तो ओव्यूल से जब फर्टिलाइज होकर सीड बना तो सीड इज ऑल्सो नॉट कवर्ड बाई फ्रूट ओके चलो मूविंग ऑन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज प्रेजेंट वेल बॉडीड स्टेम लीव यानी कि देखो मेन जो प्लांट बॉडी है जिम्नोस का वो स्पोरोफाइटिक होता है होता है हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से प्लांट किंगडम में पांच डिवीजन है एल्गी में तो कोई ये मामला है ही नहीं स्पोरोफाइट वाला ठीक है तो एल्गी को तो छोड़ ही दो लेकिन जब ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ा था तो हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में जो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी था वो था गैमिटोफाइट फिर जब हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा तो टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स का वो है स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स का गैमिटोफाइटिक टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइटिक और जिम्नोस्पर्म्स का जब हम पढ़ रहे तो हम देख रहे कि जिम्नोस्पर्म्स में भी कैसा प्लांट बॉडी है मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉयड ठीक है और एनजियोसपम में भी जब हम आगे पढ़ेंगे ना जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें तो उसमें भी तुम देखोगे कि एनजिओसपम्प का भी जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक ही होता है तो ऐसे याद कर लेना कि सिर्फ ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या है गैमिटोफाइट यानी कि हेप्लॉयड और टेइडोफाइड जिम्नोसपम और एनजियोसपम का मेन प्लांट बॉडी क्या है स्पोरोफाइटिक जो कि है डिप्लॉयड ठीक है और स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होता है जिम्नोसपम में और वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स होते हैं स्टेम होते हैं लीव्स होते हैं अच्छे खासे वेल well डिफरेंशिएटेड ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स प्रेजेंट होंगे ठीक है चलो मूविंग ऑन इंक्लूड मीडियम साइज टॉल ट्रीज और श्रब्स मतलब में जो प्लांट तुम देखोगे प्लांट के साइज की अगर हम बात करें तो मीडियम साइज वाले ट्रीज भी प्रेजेंट होंगे जिम्नोपम्प में टॉल ट्रीज भी लंबे लंबे ट्रीज भी प्रेजेंट होंगे और श्रब्स छोटे छोटे ट्रीज भी प्रेजेंट होंगे ठीक है मीडियम साइज वाले जो छोटे छोटे हैं मीडियम साइज से थोड़े छोटे छोटे जो है उन्हें हम कहेंगे श्रब्स और ज्यादातर जो होते हैं मोस्टली टॉल ट्रीज प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ज्यादातर जिम्नोस्पम्प में जो तीन कैटेगरी है मीडियम टॉल और श्रब का उसमें ज्यादातर देखोगे टॉल ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पम्स में ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल देखो टॉलेस्ट जिम्नोस्पम्स सिकोया जो कि जिसका कॉमन नेम है जाइंट रेडवुड ट्री जिम्नोसपम्प में टॉल ट्रीज प्रेजेंट होते हैं टॉल ट्रीज में से भी सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है जिम्नोसपम्प का तो वो होगा सिकोया सिकोया का कॉमन नाम क्या है जाइंट रेडवुड ट्री ये रहा कुछ ऐसा दिखने में होता है रुको जूम कर देता हूं ये देखो कितना लंबा हाइट देखो एकदम लो एंगल से फोटो लिया गया है ठीक है तो देखो बहुत बहुत लंबे होते हैं टॉलिस जिम्नोसप से क्या है सिकोया जायट रेडवुड ट्री रेडवुड क्यों बोला है क्योंकि इसका देखो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंक है रेड कलर का है देखो थोड़ा तो थोड़ा थो 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 लग रहा है ना रेडिश कलर का तो इसीलिए जाइंट जाइंट मतलब बहुत बड़ा जाइंट रेडवुड ट्री ठीक है अब एक चीज देखो मैंने जिम्नोस्पम्स में इंक्लूड किया क्या क्या मीडियम साइज ट्रीज टॉल ट्रीज श्रब्स लेकिन एनसीआर के बारे में कुछ नहीं बोलता क्या हर्ब्स जामिया, जामिया, जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पम्स है सबसे छोटे जिम्नोस्पम्स एक तरह से हर्ब्स मतलब स्मॉलेस्ट तो हम अगर पूछा जाए कि हर्ब्स प्रेजेंट है जिम्नोस्पम में तो तुम बोल देना हा उसका नाम है जामिया

ऐसा होता है दिखने में जामिया पिगमे जो कि पिगमे जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है यानी कि हर्ब्स है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मूविंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड चलो अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स के बारे में रूट कैसा होता है टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स टैप रूट कैसा होता है दिखने में देखो टैप रूट्स दिखने में कुछ ऐसा होता है ये ऑरिजिन है ऑरिजिन जहां से हमारा जो रूट है वो ऑरिजिनेट करता है और नीचे यहां से देखो ऑरिजिन से जो ये मेन रूट निकला मेन ब्रांच निकला और उससे देखो आगे जाके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकला है ठीक है ब्रांचेस तो रूट कैसा है टैप रूट्स प्रेजेंट है कैसा होता है टैप रूट्स दिखने में ये रहा मैंने यहाँ पे बना दिया ऑरिजिन से क्या कर रहा है देखो ऑरिजिनेट कर रहा है मेन ब्रांच और वो जो मेन ब्रांच है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो जा रहे तो टैप रूट्स प्रेजेंट होता है जिम्नोसपम्प में और देखो दो तरह का ये जो रूट्स है ना जिम्नोसपम्प का इसमें दो तरह का एसोसिएशन देखने को मिलता है कैसा एसोसिएशन देखो पहला है माइकोराइजल जिसे फंगल एसोसिएशन भी कहते हैं जो कि पाइनस में देखने को मिलता है पाइनस क्या हमारा जिम्नोसप में एक प्लांट है पाइनस उसका जो रूट है उसके रूट में होते हैं क्या एसोसिएशन फंगस के फंजाई के एसोसिएशन होते हैं ठीक है फंजाई के एसोसिएशन देखने को तुम्हें मिलेगा जिसको माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहते हैं क्या होता है इस एसोसिएशन में जो पाइनस हमारा प्लांट है और जो फंजाई है ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के लिए क्या बेनिफिशियल होते हैं फंगस जो होता है वो क्या करता है प्लांट को वाटर प्लस मिनरल देता है ठीक है और पाइनस जो कि हमारा प्लांट है वो फंजाई को क्या देता है बदले में फूड देता है फूड तो बड़ा ही बेनिफिशियल एसोसिएशन है माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई का और पाइनस का होता है पाइनस क्या करता है फंजाई प्या, को फूड देता है फंजाई क्या करता है पाइनस को वाटर और मिनरल देता है ठीक है दूसरा जो एसोसिएशन है वो है इनसाइकस साइकस भी हमारा जिम्नोसप का एक एग्जाम्पल है प्लांट है साइकस साइकस के कुछ रूट्स में सम रूट्स सारे रूट्स में नहीं कुछ कुछ रूट्स में हैव एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी याद करो हमने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो साइकस के कुछ कुछ रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उन रूट्स को क्या कहते हैं हम जिन रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं साइकस के उन रूट्स को हम कहते हैं कोरोलाइड रूट्स कोरोलाइड कोरोलाइड्स रूट्स ठीक है कोरोलाइड रूट्स तो ऐसे याद रखो सी से साइकस साइकस के रूट में क्या प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया वापस से एक सी एक सी आया साइकस का एक सी आया साइनोबैक्टीरिया का और एक सी आया कोरोलाइड रूट्स का तो साइकस के रूट में साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहेंगे कोरोलाइड रूट्स तो ट्रिपल सी से तुम याद रख सकते हो साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं कोरोलॉइड ठीक है और कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल देखो एनाबेना और नॉस्टॉक ये दो साइनो बैक्टीरिया है जो साइकस के कुछ कुछ रूट में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया होते हैं तो क्या करते हैं साइकस को क्या देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड देते हैं और साइकस बदले बदले में क्या देता है साइनो को फूड देता है तो एनाबेना और नॉस्टॉक है ये क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड दे रहे हैं प्लांट को जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए सर्वाइवल के लिए ठीक है नाइट्रोजन कंपाउंड दे रहा है साइकस को और साइकस बदले में क्या दे रहा है इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया को बदले में फूड दे रहा है ठीक है तो ये भी बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए कैसे याद रखोगे सी साइकस का प्लांट जिसमें जिसके रूट में क्या प्रेजेंट है कुछ कुछ रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो एक सी दूसरा सी और तीसरा सी क्या हो गया Root, तो साइकस के प्लांट में साइनोबैक्टीरिया और उस रूट को सॉरी साइकस के रूट में साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कह रहे ठीक है चलो मूविंग ऑन अब बात करते हैं स्टेम की जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम के बारे में दो तरह के स्टेम होते हैं अनब्रांसड साइकस में देखने को मिलता है और ब्रांच पाइनस एंड सेड्रस में देखने को मिलता है साइकस देखो दिखने में कुछ ऐसा होता है अनब्रांच स्टेम है एक ही स्टेम है देखो कुछ ब्रांचेस नहीं है बस अकेला एक बड़ा सा सिंगल ब्रांच है यानी कि सिंगल एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है ट्रंक है उसके ऊपर देखो क्या है बहुत सारे लीव्स देखने को मिल रहे हैं तो अनब्रांच होता है स्टेम कैसा है स्टेम जो है ये जो अनब्रांच है, है कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है अब तुम ये प्लांट देखे हो डेकोरेशन के काम आता है शॉपिंग मॉल में जाओगे या फिर कॉलेज के कैंपस में देखोगे साइकिल जो होता है उसको कैंपस में या शॉपिंग मॉल में ऐसे उगा के रखते हैं काम आते हैं में बड़ा अच्छा लगता है ठीक है और की बात करें, ऐसे जिनमें स्टेम होते हैं, तो वो हो गया पाइनस और सेड्रस ये रहा। और जूम कर देता हूँ ये देखो ये है हमारा पाइनस ठीक है और ये है हमारा सेड्रस देखो ब्रांचेस निकले हुए ऐसे जिम्नोस्पर्म्स है जिनका स्टेम क्या है ब्रांच ठीक है और याद रखना Psychus के कुछ कुछ रूट में क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं रूट और पाइनस में क्या देखने को मिलता है एसोसिएशन हमें यानी कि पाइनस के रूट्स में क्या होते हैं फंजाई होते हैं ठीक है थीके? तो उसको हम कहते हैं माइक्राइजल एसोसिएशन चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब चलो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स के बारे में कि इनके पत्ते कैसे होते हैं दो तरह के पत्ते पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में एक सिंपल एक कंपाउंड सिंपल हमें पता है ऐसी नॉर्मल सिंपल सा पत्ता ठीक है ये रहा हमारा सिंपल सा पत्ता जो कि जिम्नोस्पर्म से पाया जाता है और कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीफ क्या होता है देखो एक ये पूरा का पूरा लीफ है उसके छोटे छोटे डिवीजन हुए हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं लीफलेट तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ बेसिकली क्या होता है बड़ा सा जो हमारा सिंपल लीफ था इसमें क्या हो गया डिवीजन हो गया छोटे 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 ऐसे डिवीजन हो गए लीफलेट के तो इन्हें ही हम कहते हैं क्या कंपाउंड लीव्स यानी कि ये जो सिंपल लीफ है क्या हुआ इसका जो लेमिना है इसका जो प्लेन है वो डिवाइड कर गया डिवाइड कर गया किसमें छोटे छोटे लीफलेट में और ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ ये पूरा एक लीफ है ठीक है पूरा का पूरा एक लीफ है जिसमें डिवीजन हो गया है और बहुत सारे लीफलेट प्रेजेंट है बहुत छोटे छोटे लीफलेट बन गए तो एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा लीफ सबसे ज्यादा पाया जाता है जिम्नोसपम्स में तो आंसर जाएगा कंपाउंड लीफ मेजोरिटी ऑफ हैव कंपाउंड लीफ ओके अब नेक्स्ट देखो इन साइकस साइकस हमारा एक एग्जाम्पल है जिम्नोस्पम का जो कि हमने देखा था इनमें पिनेट लीव्स होते हैं पिनेट लीव्स क्या होता है पिनेट लीव्स होता है इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीव्स ठीक है एक होता है टाइप होता है कंपाउंड लीव्स का पर यहां पे हम मॉर्फोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स तो नहीं पढ़ रहे तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इससे हमें बस इतना पता चलता है कि कंपाउंड लिवस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से एक है पिनेट लिव्स जो कि हमें साइकस में देखने को मिलता है बस इतना जान लो तो ये साइकस में पिनेट लिव्स होते हैं जो कि परसिस्ट करते हैं फॉर अ फ्यू ईयर्स यानी कि ये देखो ये पिनेट लिव्स है दिखने में कुछ ऐसा होता है एक तरह से देखो कैसे कंपाउंड लिव की तरह दिखने में ही लग रहा है ये होते हैं साइकस में और ये परसिस्ट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ समय तक रहेंगे साइकस के स्टेम पे और फिर क्या करेंगे टूट के गिरना चालू कर देंगे यानी कि जब साइकस का जो स्टेम है जब साइकस का प्लांट है ग्रो करेगा तो नीचे से ये जो हमारे पिन्नेट लीव्स है ये टूट टूट कर जमीन पे गिर जाएंगे ठीक है लेकिन कुछ साल तक रहती है परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स और फिर टूट कर गिरती है ठीक है तो यही एन बोलना चाहता है पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स और फिर टूट टूट के गिरती है देखो ये कितना स्टेम चिकना है दिखने में दिखने में एकदम साफ चिकना है इसीलिए डेकोरेशन के काम भी आता है क्योंकि पिनेट लिवस जो होते हैं वो कुछ साल तक रहते हैं और फिर झड़ के गिर जाते हैं जब ग्रोथ होता है साइकस का तो इसीलिए इसको डेकोरेशन में भी काम लेते हैं सजाने में कैंपस वैम्पस में शॉपिंग मॉल में स्कूल में देखोगे वहाँ पे ऐसे वो दिखने में होता है खजूर की तरह दिखने में होता है ये प्लांट बट एक्चुअली में खजूर का प्लांट नहीं है ठीक है ये क्या है साइकस का प्लांट है कभी कभी देखे हो हम लोग देखते हैं कि यार ये तो खजूर का पेड़ है इसमें खजूर क्यों नहीं टमा हुआ है <laughs> मैं सोचता था पता है बाद में पता चला कि नहीं ये तो साइकस का पेड़ है मैं देखता तो मुझे लगता था इसमें खजूर क्यों नहीं है छोटे छोटे खजूर होते हैं ना बट ये एक्चुअली साइकस का प्लांट था ठीक है चलो नेक्स्ट इन कॉनिफर कॉनिफर्स लाइक पाइनस नीडल लीव्स आर प्रेजेंट देखो कॉनिफर्म क्या होता है कॉनिफर्स होता है कॉनिफर्स आर अ क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म डिवीजन ठीक है जिसका एक एग्जाम्पल है पाइनस ये कैटेगरी बोल लो या क्लास बोलो या ग्रुप ऑफ प्लांट बोल लो जो कि जिम्नोस्पर्म डिवीजन में आता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो इन कॉनिफॉर्म्स कॉनिफर्ड ठीक है बार बार बोल दे रहा इन कॉनिफोर्सिफर्स लाइक पाइनस जैसे कि हो गया पाइनस नीडल 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 प्रेजेंट होता है है ठीक नीडल नीडल दिखने में कैसा होता है कुछ ऐसा होता है देखो जूम कर देता हूँ देखो पतले पतले कैसे सुई की तरह है ना एकदम पतले पतले लंबे, लंबे लंबे और ये हमारा पाइनस का प्लांट है ठीक है और इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया ठीक है तो पतले पतले लंबे लंबे लीफ होते हैं जो कि क्या करते हैं रिड्यूस सरफेस एरिया अब देखो मान लो ऐसे मोटा बड़ा सा लीफ होता ठीक है तो इस पर बहुत ज्यादा सनलाइट आता बहुत ज्यादा सनलाइट आता तो वाटर लॉस ज्यादा होता ट्रांसफ्रेशन ज्यादा होता तो प्लांट में पानी की कमी आती बट अगर यही बड़ा सा प्लांट है इसका मैं सरफेस इसका जो बड़ा सा प्लांट का जो लीफ है इसका सरफेस एरिया कम कर दिया एकदम पतला सा सुई जैसा लीफ हो गया नीडल लाइक लीफ तो बताओ इस पर ज़्यादा सनलाइट नहीं गिर पाएगा वाटर लॉस भी कम होगा ट्रांसपीरेशन भी कम होगा तो प्लांट भी एकदम अच्छा खासा हेल्दी सरवाइव करेगा ठीक तो है तो रिड्यूज़ ए सरफेस एरिया नीडल लीफ क्या करता है पाइनस के जो प्लांट है इसमें सर्फेस एरिया क्या कर रहा है रिड्यूज़ करके रखा है रिड्यूस करके रखा है तो क्या होगा वाटर लॉस कम होगा ट्रांसपीरेशन कम होगा तो प्लांट को फायदा पहुंचेगा उसी तरीके से और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमें जिम्नोसप में देखने को मिलते हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं लीफ के जो कि हमें जिम्नोसपम में देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते, करते है वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं प्लांट में ऐसे लीफ के फीचर्स जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहे हैं जिम्नोसपम्प के प्लांट में क्या क्या फीचर्स है चलो देखते हैं पहला हो गया थिक क्यूटिकल क्या होता है ना जिम्नोसपम्प का जो लीफ होता है ना वो लीफ के ऊपर सतह पे सर्फेस पे एक लेयर होता है थिक क्यूटिकल होता है यानी कि वैक्स का एक लेयर होता है तो एक लेयर आ गया लीफ के ऊपर तो क्या होता है ना वाटर लॉस कम हो जाता है एक थिक क्यूटिकल वैक्स लेयर बन गया तो ट्रांसपिरेशन कम हो गया वाटर लॉस कम हो गया तो ये एक अच्छा फीचर है ठीक है, okay, अच्छा है. है लीफ मतलब है, लीफ है? के सरफेस पे यहाँ पे यहाँ पे यहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होगा लीफ में एक गड्ढा होता है ऐसे गड्ढा ठीक है और इसमें यहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है यानी कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता डायरेक्ट सर्फेस से प्रेजेंट नहीं होता स्टोमेटा ऐसे छोटे 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 गड्ढे होते हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो क्या होता है डायरेक्ट इवायरमेंट uh, के कॉन्टेक्ट में नहीं है स्टोमेटा तो वाटर लॉस भी कम हो जाता है ट्रांसपिरेशन भी कम होता है वो जो स्टोमेटा वहां से वाटर लॉस भी कम होगा ठीक है तो ये एक और दूसरा अच्छा फीचर होता है और तीसरा नीडल लीफ नीडल लीफ तो हमने देखा ही अगर तुम क्या करोगे सर्फेस रिड्यूस कर दोगे ठीक है तो डायरेक्ट सनलाइट जो होगा सनलाइट कम पड़ेगा वाटर लॉस कम होगा ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ये तीन अच्छे लीफ के फीचर्स होते हैं जिम्नोसपम में जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं प्लांट में अब यहाँ पे देखो ये तीन फीचर्स में से पहला दो फीचर्स हमें साइकस थी में देखने को मिलता है और ये तीनों का तीनों फीचर्स हमें पाइनस में देखने को मिलता है क्योंकि हमें पता है नीडल लिफ सिर्फ पाइनस का ही फीचर है पाइनस प्लांट का नीडल लिफ साइकस में तो है ही नहीं साइकस में कैसे है पिनेट लीव तो पहला दो फीचर्स यानी कि थिक क्यूटिकल यानी कि वैक्स लेयर और संकिन स्टोमेटा साइकस में देखने को मिलता है थिक क्यूटिकल संकेंस टोमेटा और निडल लीफ कॉनिफर्स यानी कि पाइनस में देखने को मिलता है ठीक है चलो मूविंग ऑन एक नोट है यहाँ पे जिम्नोसपम लीव्स आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड क्या होता है देखो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर मतलब देखो पाइनस का जो ट्री है ये ऐसे इन्वायमेंट में ग्रो करते हैं जहां पे बर्फ गिरता है ठीक है तो टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो क्या होता है बर्फ गिरता है तो जो पाइनस का जो लीफ है वो तो निडल लाइक -like है बर्फ गिरेगा तो पत्ते पे जमा ही नहीं होगा पतले पतले सुई जैसे पत्ते होते हैं तो बर्फ गिरता है और पत्ते पे रहता ही नहीं है जमीन पे चला जाता है मगर तो मान लो अगर वही पत्ता अगर पाइनस का मोटा सा होता बड़ा सा होता तो उसपे पत्ते बर्फ आके जमा हो जाते और एकदम जो ब्रांच है पाइनस का समझ लो ये जो ब्रांच है इस इसपे बहुत सारा बर्फ आके जमा हो जाता तो ये ब्रांच तो एकदम भारी हो जाता वेट आ जाता और ब्रांच यहाँ से टूट गिर जाता तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता बट पाइनस में क्या है नीडल लाइक पतले पतले सुई जैसे लीफ है तो उस लीफ पे बर्फ़ रह ही नहीं पाते वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो ये एक अच्छा फ़ायदा होता है यानी कि कम टेम्परेचर में भी आराम से अडेप्टेड है हमारा पाइनस का पेड़ और ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा सनलाइट ज़्यादा आएगा सनलाइट ज़्यादा आएगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा बट हमारा जो पाइनस है उसमें कैसे है नीडल लीफ है सरफेस एरिया ही कम है सनलाइट कम पड़ेगा वाटर लॉस कम होगा ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी आराम से सर्वाइव कर ले रहा है वैसे पिनेट के केस में भी है देखो सरफेस एरिया कम है जितना भी जो धूप ऊप है मतलब सनलाइट है वो कम कम जगह पे पड़ेगा सरफेस एरिया कम है तो वाटर लॉस भी कम होगा ट्रांसपिरेशन भी कम होगा तो आराम से सर्वाइव करेगा ठीक है जिमनोसपम का जो लीफ है वो अडेप्टेड है क्योंकि विथ स्टैंड वैसे ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जब होता है तो क्या होता है वाटर लॉस ज़्यादा होता है यानी कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है बट अगेन मैंने क्या कहा सरफेस एरिया कम है ठीक है सरफेस एरिया कम है तो वही ह्यूमिडिटी के, के केस में भी क्या होगा सर, लीफ पतला पतला लीफ है तो ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं होगा ठीक है और विंड की बात करें तो जब तेज़ हवाएं चलती है ना तेज़ हवाएं चलती है तो पाइनस को या साइकस को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हवाएं होती है ना ये जो जगह है यहाँ से होकर गुजर जाती है ऐसे देखो ऐसे पत्ते हैं ना लीफलेट है छोटे 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 लीफलेट है ठीक है तो हवा जो है यहाँ बीच से गुजर जाती है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग विंड को भी विद स्टैंड कर लेते हैं वैसे नीडल नीडल लाइफ लाइक लीव्स है हिलते रहते हैं हिलते रहते, लेकिन टूट कर गिरते नहीं है क्योंकि जो हवा है वो बीच से पास हो जाता है ठीक है तो जिम्नोसपम्प लीव्स आर एडेप टू तो विद एक स्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड चलो तो यहाँ पे हमने लीव्स के बारे में जाना नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब बात करते हैं जिम्नोसपम्स के हैबिटाट के बारे में कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जगह पे नहीं पाए जाएंगे ठीक है एक लिमिट रहता है इनके डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मेनली इन कोल्ड रीजन ज्यादातर कोल्ड रीजन ठंडे इलाके में पाए जाते हैं और वैसे भी एक चीज तुम्हें बता दो जिम्नोसपम्प जो होता है ना उनमें जो स्पीशीज है बहुत ज्यादा नहीं है सबसे छोटा डिवीजन है ये प्लांट किंगडम का एक तो बहुत लिमिटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन में और जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादा प्लांट्स नहीं है ठीक है ज्यादा स्पीशीज नहीं है बहुत ही छोटा डिवीजन है बहुत ही छोटा क्या सबसे छोटा डिवीजन है प्लांट किंगडम का तो एक क्विक फैक्ट की तरह तुम याद रख सकते हो कि जिम्नोस्पर्म इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन प्लांट किंगडम पांच डिवीजन है एलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स उन सब में भी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है प्लांट किंगडम का तो जिम्नोस्पर्म्स ठीक है तो जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एक तो सबसे छोटा डिवीजन है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है लिमिटेड होता है ज़्यादातर कोल्ड रीजन्स में पाया जाता है अगर बात करूँ इंडिया की इंडिया में कहाँ पाया जाता है तो हिमालयन रीजन हिमालय जो है ना हिमालयन रीजन जो पहाड़ है वहाँ पर पाया जाता है ठीक है ठंडा ठंडा रीजन है और वैसे भी जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं पाइनस जो पाइन ट्रीज होते हैं वो सब पहाड़ी पेड़ है पहाड़ पे पाए जाएंगे तो हिमालयन रीजन इंडिया में हिमालयन रीजन में पाए जाएंगे ठीक है जो कि एक कोल्ड रीजन है इंडिया का तो जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन मेनली

जैसे मान लो मैंने क्या कहा ज्यादातर पहाड़ी इलाका में पाया जाता है ठीक है तो इनमें क्या होता है जीरो प्लांट में जिम्नोसप में पहाड़ी इलाका पे देखो कैसे पहाड़ी जो होता है कैसा स्लोप होता है स्टीप होता है स्लोप होता है ठीक है ढलान होता है तो पानी जब बारिश होता है ना तो पहाड़ पे पानी रह नहीं पाता पानी जो है नीचे चला जाता है ठीक है तो ज्यादा पानी जो है प्लांट रिटेन नहीं कर पाता है अपने पास नहीं रख पाता है क्योंकि पानी जो है वो बहके नीचे चला जाता है पहाड़ है ना स्लोपी है तो इसीलिए ज्यादा पानी नहीं मिलता तो कम पानी में भी सर्वाइव करने का फीचर्स जिम्नोस्प में पाया जाता है जैसे कि मैंने बोला ये थिक क्यूटिकल और संकेंस स्टोमेटा थिक क्यूटिकल एक लेयर होता है लीफ के ऊपर और संकेंस स्टोमेटा संकेंस स्टोमेटा क्या है ऐसे लीफ में ऐसे देखो गड्ढा है और इसमें यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो ये जो फीचर्स है ये क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं ट्रांसप्रेशन यानी कि वाटर लॉस को कम कर देते एक तो प्लांट ज्यादा पानी रख नहीं पा रहा था क्योंकि स्लोपी एरिया होता है माउंटेन तो क्या करता है उनमें जो प्लांट है इनमें फीचर्स होता है थिक क्यूटिकल और संकेस्ट टोमेटा का कि अगर ज्यादा पानी रख नहीं सको रख नहीं सकते तो ज्यादा पानी लॉस भी नहीं होने देंगे तो डिक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन कौन थिक क्यूटिकल और संकेस्ट टोमेटा ओके ये दो जेरोफाइटिक फीचर्स है जिम्नोसपम्प के जो कि जिम्नोसपम्प को कम पानी वाले परिस्थिति में भी सर्वाइव करने में मदद करते हैं नेक्स्ट ऑल जिम्नोस्पम्प्स आर वेस्कुलर प्लांट्स

एडवांस है तो उसमें देखोगे कि, कि में प्रेजेंट होता है ठीक है ठीक है क्योंकि एक तो ज्यादा एडवांस है एनजीओस पम्पनोस का भी उतना नहीं होगा एनजीओस पम्प का एडवांस्ड होगा तो के केस में के के सिर्फ ट्रैकेट और फ्लोएम केस में के सिर्फ सेल्स एंड सीव ट्यूब्स ही प्रेजेंट होते Sorry, तो ये चीज याद रखना ठीक है ये एक नोट है नेक्स्ट मूविंग ऑन

Uh, क्या कहते हैं इंडिकेशन है एडवांस जाइलम का इंडिकेशन है जाइलम में वेसल का प्रेजेंट होना और जिम्नोस्पम जैसे नेटम इफेड्रा और विल्विशिया में ये जो वेसल है जो कि जाइलम का एक कॉम्पोनेंट है वो प्रेजेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि नेटम इफेड्रा और विल्विशिया जो है वो एडवांस्ड जिम्नोस्पम्स है तो यहाँ पे हमने जिम्नोस्पम का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हैबिटाड रूट लीफ स्टेम सब कुछ देखा तो यहाँ पे जिम्नोस्पम का लेक्चर हुआ समाप्त नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिम्नोसपम्स के लाइफ साइकिल के बारे में ठीक है लाइफ साइकिल के बारे में तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त तो वैज़ यहीं पे लेक्चर खत्म होता है युक्त में लेक्चर समझ में आओ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना निटोलॉजी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा टेलीग्राम पिंटोलॉजी का चैनल है जिसका लिंक ये रहा टी डॉट मी स्लैश निटोलॉजी अंडर स्कोर एच के इसको जाके ज्वाइन करो क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारे नोट्स अपलोड करता हूँ वीडियो से रिलेटेड तो तुम्हें मतलब जो वीडियो बनाता हूँ वो जो उसके जो नोट्स है उसको इस तो ये जो टेलीग्राम पे जो चैनल है इंटोलॉजी अंडर स्कोर एच के इस पर अपलोड करता हो तो तुम्हें बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है वो नोट्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इंटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन जरूर प्रेस करना तुम्हें पता ही है तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो और अगर तुम्हें और भी इंटोलॉजी के वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे क्लिक करके और भी वीडियोस देख सकते हो वीडियो देखो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलता है Thank you. Take care.